हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम बैक टू हैशटैग वोकल फॉर लोकल सीरीज, जहां मैं लोकल इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करती हूँ और आप लोगों के साथ उनके जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप सबको हेल्प हो कि कौन सा लोकल इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों के साथ जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ वो है दिग्विजय हर्बल्स, जिनके को फाउंडर है डॉक्टर दिशा दिनाकर। इनके जो भी प्रोडक्ट्स है सारे ही डॉक्टर्स रिकमेंडेड है, डॉक्टर्स पूरा जो है देखभाल करते हैं सारे प्रोडक्ट्स की। इनफैक्ट अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को परचेज करना भी चाहते हैं तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप उन्हें व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। आप टाइप करके उन्हें सेंड कर दीजिए, टेक्स्ट सेंड कर दीजिए, तो डॉक्टर्स खुद टेक्स्ट को पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है वो सब रिकमेंड करते हैं, आपकी स्किन टाइप, आपके स्किन इश्यूज, आपके हेयर इश्यूज के अनुसार वो आपको प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। सो बहुत ही कन्वीनियंट एक सिस्टम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, वो लोग तो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 24 आवर्स के अंदर ही वो रिप्लाई जरूर करते हैं। क्योंकि मैं जब उन्हें मेरे जो स्किन इश्यूज है वो जब मैं शेयर कर रही थी तो मुझे इंस्टेंट तो रिप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ 24 आवर्स के बीच मुझे रिप्लाई आ जाता था। और मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरे जो स्किन इश्यूज है वो मैं किसी डॉक्टर को बता पा रही हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट इज द शाइन फेस मास्क, और ये इसका केस है, ऐसे कार्डबोर्ड केस, एंड उसके अंदर ये फेस मास्क है। इट्स काइंड ऑफ मुल्तानी मिट्टी, बट ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है। दिस इज रियली ऑसम, मतलब इसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत अच्छा इफेक्ट है। एंड मैं अभी रिसेंट में मेरा जो अपडेटेड स्किन केयर रूटीन है, मैं डेफिनेटली वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं हर रोज इस फेस पैक को हल्दी के साथ मिक्स करके मैं अपने होल फेस पर शावर लेने से पहले अप्लाई कर रही हूँ, एंड काफी अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, डार्क स्पॉट्स वगैरह सब रिड्यूस हो रहे हैं। सो आई एम वेरी मच इन लव विद दिस फेस मास्क, बहुत अच्छा है। एंड ये मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये मेरी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डॉक्टर्स को बता सकते हैं, तो आपके स्किन टाइप और इश्यूज के अनुसार वो आपको रेकमेंड करेंगे। ये है शाइन फेस मास्क। इस फेस मास्क को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा लीजिए, उसके साथ रोज वाटर से पेस्ट बनाइए, हनी के साथ, या चाहे तो आप नॉर्मल वाटर से भी पेस्ट बनाकर फेस एंड नेक पर अप्लाई कीजिए। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता, उससे कम टाइम में ये सूख जाता है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। आप इसे वीकली 3 times इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वॉश करने के बाद आप एक मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि ये स्किन को ऑयली भी नहीं बनाता, ड्राई भी नहीं बनाता। इसमें कई सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि ड्राइड रोज पेटल, ऑरेंज पील है इसमें, फुलर्स अर्थ मतलब मुल्तानी मिट्टी है, ओराइजा सताइवा है। सो ये स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। सो दिस इज रियली गुड फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस सीरम, ये है यूथ एज डिफाइंग सीरम। ना तो बेस्ट पार्ट इज उनके प्रोडक्ट्स की कोई ऐसी बात नहीं कि वाओ पैकेजिंग एंड ऑल, पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान उन्होंने नहीं दिया है, बट जो उनके इफेक्ट है, प्रोडक्ट्स की जो इफेक्ट है ना, रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा है। यूथ एज डिफाइंग सीरम कोलाजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, एजिंग साइंस डिमिनिश करने के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी लाइटन करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। इसके अंदर कई सारे ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स है, जैसे कि कैरेट सीड ऑयल, लैवेंड्यूला, लैंग लैंग, रोज हिप, तो इतने सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स आपको एक सीरम के अंदर ही मिल जाएगा। ये 15 ml का आता है एंड इट रिटेल्स फॉर 699 rupees, और इसको लगाने पर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। आप इसे डे टाइम भी लगा सकते हैं, नाइट टाइम भी लगा सकते हैं। इसको जस्ट 2 to 3 drops अपने फेस एंड नेक पर मसाज कीजिए, उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे सेंड किया है वो है ये जेल, ये है ओवरनाइट रिपेयर जेल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिखेगा केसर, सो दिस इज वेरी नाइस जेल। इसमें प्योर केसर है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, अमेजिंग। सो आप अगर हर रोज रात को अपने फेस पर ऐसे केसर वाला जेल अप्लाई करके सोते हैं, देन आपको अभी से ही पता चला है कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो मैं हर रोज रात को इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, सिर्फ रात को ही नहीं, मैं दिन में भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पर ही हूँ तो मैं दिन में भी इसे अप्लाई करती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा है, मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन ये जेल बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करती। सो
मैं इसे अप्लाई करती हूँ एंड मेकअप से पहले मैं इस सीरम को अप्लाई करती हूँ। ये एज डिफाइंग सीरम, इसे मैं मेकअप से पहले अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, तो मैं मेबेलिन फिट में इस्तेमाल करती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो अगर मैं मेकअप से पहले इसे इस्तेमाल करती हूँ तो मेकअप भी फ्लॉलेस दिखता है एंड यू कैन सी द ग्लो। मेरे पास कोई हाइलाइटर नहीं है बाय द वे, मैं हाइलाइटर इस्तेमाल भी नहीं करती, लेकिन आप लोग ग्लो देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रियली नाइस। और ये जेल मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पर्सनली विंटर्स में स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, सो मैंने उनको ये सब ही बताया है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मेरी ड्राई स्किन के हिसाब से ही सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे सेट किया था। ये है ओवरनाइट रिपेयर जेल। इसका नेट वेट है 50 ग्राम्स। आपको जस्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में ये चाहिए, थोड़ा सा आपको लेना है स्किन में, आप अप्लाई कीजिए, क्लीन फेस पर अप्लाई कीजिए हर रोज़ रात को और इसे मसाज दीजिए। अगर आप इसे रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स में है स्पैनिश सैफरन, एलोवेरा और काफ़ी सारे ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स है, जैसे जोजोबा, स्वीट आमंड, लेमन ग्रास, पोमेग्रेनेट, मोरक्कन आर्गन ऑयल, रोजमेरी, रोजहिप, थाइम, लैवेंडर, रोज, सैफरन, ऑरेंज, टी ट्री, लैंग लैंग, पम्पकिन सीड, कैरेट सीड। तो इतने सारे इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये स्किन रेडियंस के लिए, एंटी एजिंग के लिए, डी टैन एंड स्किन ग्लो के लिए काफी अच्छा है। जेल फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके का जेल इस्तेमाल कर रही हूँ एंड रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। सो आई थॉट कि चलो इसके ऊपर तो मुझे आप लोगों के साथ डेफिनेटली रिव्यू शेयर करने ही है। जो भी डिटेल्स है उनके साथ आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर चेक करना। और उनके इंस्टाग्राम आईडी पर, ये है उनका इंस्टाग्राम आईडी, आप उन्हें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं कि मेरे स्किन इश्यूज ये है वो है, मैं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी। और ऊपर से व्हाट्सएप पर मैं डेफिनेटली आपको कहूंगी कि अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उन्हें व्हाट्सएप पर थोड़ा सा अपने स्किन इश्यूज के बारे में बताइए, वो जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही कन्वीनियंट है एंड बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो आप सबको अच्छा लगा। जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, जैसे पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जस्ट सोबर पैकेजिंग, डिसेंट एंड सोबर पैकेजिंग, लेकिन जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।